एवरी वन वेलकम टू कारण क्रांस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी आज नई आज की नई प्ले लिस्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट सोशोलॉजी सिलेबस ठीक है तो इस प्ले लिस्ट में सोशोलॉजी के सारे वीडियोज है वो लेके आऊंगी नेट सेलेबस के तो डू स्टे टिल देंड और सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दिस विल डेफिनेटली दिस चैनल विल डेफिनेटली बेनिफिट यूट तो ये इसका सिलेबस है अगर आप मेरी पुरानी प्ले लिस्ट है उसमें देखेंगे तो नितिन सांगवान सर की बुक की मैं समरी ऑलरेडी करवा रही नितिन सांगवान सर के काफ़ी चैप्टर्स हैं जो आपके नेट सिलेबस से भी मैच करते हैं फाइन ये हमारी स्टार्ट हो गई है जिसमें हम थिंकर्स चैप्टर अभी करंटली कर रहे हैं तो ये यूपीएससी या स्टेट पी एस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके नेट सोशोलॉजी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कुछ चैप्टर्स एंड कुछ कॉन्सेप्ट ठीक है तो अगर हम इसमें थिंकर्स की बात करें तो देखते हैं कौन कौन सा थिंकर हमने उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है इमाइल दुर्खीम वेबर कार्ल मार्क्स कार्लमार्कॉट पासन ठीक है ये चार थिंकर जो है हमारे ऑलरेडी उसमें कवर्ड है मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में यहाँ पे भी वो वीडियोस डाल दूंगी ठीक है तो आपको क्या करना है जो हमारे सोशोलॉजी के इंट्रोडक्टरी वीडियोज हैं वो भी आपको इस प्ले में मिल जाएंगे वीडियो नंबर वन टू एंड थ्री वो आप देखेंगे पहले जिसमें आपको सोशलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसका थोड़ा फाउंडेशन कि इसका इमर्जेंस कैसे हुआ सोशोलॉजी का वो सारे वीडियोज़ आप वहाँ से देख लेंगे क्योंकि वो दोबारा बनाने का मतलब नहीं बनता वो वीडियोज एक बार ही अपलोड हो गए हैं और उसके लिए बेस्ट सोर्स आपका नितिन सांगवान सर की बुक ही है जहाँ से मैंने वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं तो आपको पहले ये वीडियोज देखने हैं जिससे आपको सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ठीक है उसके बाद जो हमारा पहला यूनिट यहाँ का कवर करने वाला है वो है ट्वेंटी सिक्स थिंकर्स इसमें हमें पढ़ने हैं हम देखते हैं कि और हमारे इसमें यूपीएससी में कितने थिंकर्स हैं जो इससे रिलेटेड है उसमें दुर्खेम हो गया है वेबर हो गया है कार्ल मार्क्स हो गया है पार्सन्स हो गया है मर्टन हमारा रहता है जीएच मीड हमारा रहता है एज पर नितिन सांगमान बुक तो ये दो भी साइड बाई साइड चलते रहेंगे वो प्लेलिस्ट के वीडियोस भी मैं डेली नितिन सांगमान सर की प्ले के वीडियोज़ भी मैं डेली अपलोड करती हूँ तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स से ठीक है तो काल मार्क्स के जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं जिसमें हर कॉन्सेप्ट को मैंने इन डिटेल ऑलरेडी पढ़ाया है नितिन सांगवान सर की बुक से वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हर कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो है तो इस वीडियो से पहले आप मेरी वो प्लेलिस्ट वो वीडियोस जो हैं काल मार्क्स के वो देखेंगे जिससे आपको सारा जो कोर है काल मार्क्स की आइडियोलॉजी का और इनकी थिंकिंग का और इनके जो भी इनका काम हुआ है वो आइडियोलॉजी इनकी आपको कवर हो जाएगी इस वीडियो में हम रैपिड रिविजन करेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा हर थिंकर के बाद मैं उस थिंकर के एक तो पहले वो सारे वीडियोज इसमें अपलोड करूंगी इस प्ले में वो मैं अटैच करूंगी वो वीडियोज जो हमने नितिन सांगवान सर की बुक से ऑलरेडी किए हैं जैसे दुर्खेम वेबर वगैरह ये वहां पे हमारा कवर्ड है पहले आप वो इन डिटेल देखेंगे फिर एक रैपिड रिविजन थिंकर्स का वीडियो लेके आऊंगी जो इन वीडियोस के बाद आपके लिए नेट के लिए काम आएगा इस रैपिड रिवीजन में आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके इंपॉर्टेंट बुक्स ठीक है ये थी बात उन थिंकर्स की जो हम नितिन सांगवान सर की बुक से कर रहे हैं जो बाकी के बचते हैं थिंकर्स वो मैं आपको इन डिटेल इन्हीं ही प्लेलिस्ट में उसके अलग अलग वीडियो लेके आऊंगी जो आपके नेट या नेट एग्जाम पे बेस्ड होगा ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे काल मार्क्स से उससे पहले वीडियो देख लो ये ट्वेंटी सिक्स थिंकर्स है जिसमें इतने इंडियन थिंकर्स हैं और बाकी हमारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं हमारे कवर करने रहते हैं थिंकर्स के बाद हमारी रिसर्च मेथेडोलॉजी एंड मेथड्स इसका सोर्स भी नितिन सांगवान सर की बुक रहेगी और का मटीरियल ठीक है वहां से आपका ये कवर हो जाएगा ये वाला चैप्टर फिर आपका यूनिट थ्री रहता है जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन हैं ये भी इसमें सोशोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आएंगे पहले थिंकर कराने का ये मतलब है कि उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं आप इसमें से फिर पिक कर सकते हो और आपके लिए समझना भी ईजी हो जाएगा ठीक है फिर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आपको इसका भी मटीरियल नितिन सांगवान या आपके एक मटीरियल वगैरह से ये कवर हो जाएगा फिर आपका पॉलिटिक्स फिफ्थ यूनिट है सिक्स यूनिट आपकी इकॉनमी है सेवंथ एनवायरमेंट एंड सोसाइटी है एटथ आपका एफ के है फैमिली मैरिज एंड किनशिप ट्रिप नाइन्थ इज योर साइंस टेक्नोलॉजी तो आप सब्सक्राइब करें एंड डू स्टिक टिल दी एंड सारा सारा वीडियो देखें ये आपका जरूर आपके एग्जाम के लिए काम आएगा ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले वीडियो से विचिस काल मार्क्स का रैपिड रिविजन अगेन मैं फिर से बता दूं जो काल मार्क्स का ये है इन डिटेल वीडियो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पहले आप वो देखें या अगर आपको वो नहीं देखना है और आपको काल मार्क्स के बारे में ऑलरेडी चीजें पता है यू आर नॉट अ बिगिनर तो भी ये वीडियो आपके काम आएगा ठीक है तो हम काल मार्क्स का देखते हैं जो काल मार्क्स है ये किसको बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं पहले मैं पेन चेंज कर लेती हूँ वेट काल मार्क्स बिलोंग करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को तो हमें पता है एक हमारा फंक्शनल पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म वो क्या कहता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हर पार्ट एक पे दूसरे पे डिपेंडेंट है इस तरीके से कि हर पार्ट जो है वो फंक्शनल है फॉर द वर्किंग ऑफ सोसाइटी एज अ होल ठीक है लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था इसके इसका वीडियो भी मैं इनका इन डिटेल वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो आप वहां से देख लेना जो इस चैनल पे कारण क्रांच पे यूजीसी नेट सोशोलॉजी की प्ले है उसके स्टार्टिंग वीडियोज में सारा इंट्रोडक्शन आपको इन डिटेल मिल जाएगा ये बस एक रैपिड रिविजन सीरीज चल रही है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कार्ल मार्क्स को बोला जाता है कार्ल मार्क्स का बेसिकली इनने कब लिखा इनका बैकग्राउंड क्या था ही रोड इन द बैकग्राउंड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म जो थी वर इन फुल स्विंग और यूरोप चेंज विटनेस कर रहा था पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंजेस तो उस टाइम पे क्या था काफी केयस मच गया था सोसाइटी में ठीक है तो हर तरफ इनको देखने को मिलती थी मिजरीज जो ये रिलेट कर पा रहे थे कैपिटलिज्म से और जो कमर्शियल रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आई थी उन चीजों से ठीक है तो इस वजह से क्या हुआ था ये ये आपको इनका बैकग्राउंड थोड़ा पता चल ये इनका बैकग्राउंड है तो इन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हाँ. तो मानना था सोसाइटी में बेसिकली दो क्लासेस है ठीक है एक आपके हैव्स है और एक आपके हो गए आपके जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स वगैरह एंड नॉट्स कौन हो गए आपके जो आपके लेबरर्स हैं जो हैव नॉट जिनके पास नहीं है क्या नहीं है उनके पास पैसे नहीं है इन शॉर्ट तो हैव्स एंड हैव नॉट्स दो क्लासेस हैं और ये क्लासेस जो हैव्स क्या करते हैं काम करवाते हैं हैव नॉट्स से आपके कैपिटलिस्ट वर्कर से काम करवाते हैं और जितना सारा प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएट करते हैं वो सारा प्रॉफिट खा जाते हैं और हैव नॉट्स को बाद में क्या मिलता है कुछ भी नहीं और इन हैव नॉट्स की एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो ये इनका बोलना था तो ये सारा रिलेट करते थे इकोनॉमी से इनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी इनकी थ्योरी को बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर चीज को रिलेट करते हैं इकोनॉमी से कि आपका हर इंस्टीट्यूशन जो है सोसाइटी का वो आपके इकोनॉमी के इर्द गिर्द ही चल रहा है फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी का इंस्टीट्यूशन लोगे ठीक है तो इकोनॉमी क्या करता है इकोनॉमी पॉलिटी क्या करता है ऐसे लॉज बनाता है जो फेवर करता है आपके बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को जो हमने हमारी कंट्री में भी देखा होगा कि अंबानीज अडानीज को भी फेवर करने के लिए जैसे बीच में कुछ किसी का टैक्स कम कर दिया ठीक है ऐसी सारी चीज़ें लेके आता है ये बेसिकली हैंड एंड ग्लव विद ईच अदर हैं आपकी इकोनॉमी एंड पॉलिटी आपका रिलीजन जो है अब देख लो जैसे अंबानीज हैं ठीक है थीके? वो क्या करते हैं वो कौन सी यात्रा करते हैं वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं वो दर्शन करने के लिए उनको कहीं लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता वो क्यों बेसिकली खड़ा रहना पड़ता क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे हैं वो अमीर है ना अगर लेमैन टर्म्स में हम सुने समझे इस चीज को तो वो काफी रिच क्लास को बिलोंग करते हैं अपर क्लास को बिलोंग करते हैं तो उनको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ती जो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या सो so कॉल्ड गरीब तबके को फेस करनी पड़ती है इवन टेंपल्स में भी तो आपका जो रिलीजन है ये भी आपकी इकोनॉमी ही डिटरमिन कर रही है तो ये इनकी बेसिक फिलॉसफी थी इनको इन्हें पर्सपेक्टिव कहा था इन्होंने सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है हैव्स एंड हैव का उसको जो है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था तो ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस टॉपिक्स फिलोसॉफी इकोनॉमी पॉलिटिक्स सोसाइटी तो आगे देखते हैं ड्यूरिंग स्टूडेंट डेज मार्क्स वॉज अट्रैक्टेड टू हीगल इन आइडियलिज्म बट ही सून शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट टू ह्यूमैनिज्म एंड अल्टीमेटली साइंटिफिक सोशलिज्म ठीक है तो ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पे तो देखो इन्होंने बेसिकली हीगल के आइडिया था डायलेक्टिक आइडियलिज्म

और इन दो को मिलाके फाइनली आपको एक सिंथेसिस मिलता है ये जो सिंथेसिस है ये कुछ टाइम के बाद एस थीसिस एक्ट करता है और फिर इसका भी एक एंटी थीसिस डेवलप होता है ठीक है और फिर फाइनली सिंथेसिस तो डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है ये चलता जाता है और कार्ल मार्क्स ने आगे क्या कहा था कि फाइनली एंड किस में होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं थीसिस फॉर एक family, एक फैमिली सोशल स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं फैमिली ठीक है फैमिली के कुछ नॉर्म्स वैल्यूज अपने कुछ सिस्टम uh, होता है फैमिली का अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो या पसंद नहीं आ रहा हो तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक न्यू फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप होता है फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट से हम न्यूक्लियर में आ गए एक थीसिस का एक एंटी थीसिस डेवलप हो गया तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों का एक सिंथेसिस आ जाता है जिसमें ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं थीसिस के है थीं एंटी थीसिस के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फैमिली अब कपल आ गए ठीक है न्यूक्लियर फैमिली भी आ गई है वो जॉब करने के लिए कहीं चले गए तो अब उनका बेबी भी है अब वो ऐसे समझ रहे हैं कि बेबी का ध्यान रखने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि नानी को आप नहीं ला सकते सेफ नहीं रहेगा बच्चे के लिए दादा दादी से बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं है जो आपके बच्चे का ध्यान रख सके तो सिंथेसिस में क्या होगा थोड़ा इसका ज्वाइंट फैमिली के एस्पेक्ट आगे दादा दादी को ले आए थोड़ी न्यूक्लियर में आगे क्योंकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है अभी भी वो कपल पे ही डिपेंड करती है ठीक है तो सिंथेसिस में इस फैमिली का थोड़ा पार्ट आ गया इस फैमिली का थोड़ा पार्ट आ गया अब एक फैमिली रह गई कुछ टाइम के बाद ये एक थीसिस बन गया अब इसका भी एक एंटी थीसिस आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद ये भी स्टेबल नहीं रहेगा और फाइनली इन दो का एक सिंथेसिस फिर से बन जाएगा और वो सिंथेसिस कुछ टाइम के बाद फिर से एज एक्ट करेगा तो एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो चलता जाएगा चलता जाएगा ठीक है अब हीगल का क्या कहना था हीगल का कहना था जो ये सारी चेंजेस आ रही हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस ये इंसान के आइडियाज से रिलेटेड है इस, इसी इसीलिए इन्होंने दिया था आइडियलिज्म लेकिन मार्क्स ने आइडियलिज्म वाला नोशन इसमें कैंसिल किया था उन्हें हीगल का सिर्फ डायलेक्टिकल प्रोसेस लिया था और इन्होंने इसकी जगह दिया था मटीरियलिज्म की जो चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में वो आपके मटीरियल वेल्थ से आपके मटीरियलिज्म से रिलेटेड है अगेन उस पॉइंट पे जाओ कि इनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी इनकी थियोरीज को बोला जाता है क्योंकि इन्हें हर चीज को कहीं ना कहीं किससे रिलेट किया था इकोनमी से रिलेट किया था ठीक है तो इकोनॉमिक मटीरियलिज्म सॉरी डायलिट्रिक मटीरियलिज्म फाइनली इसको क्लब करके इन्होंने अपनी जो थ्योरी बनाई थी वो थी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इसमें आप देखोगे तो आपको दो की देखने को मिलेंगे हिस्टोरिकल दैट मींस हिस्ट्री की बात हो रही है कुछ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हो रहा होगा इनको एवोल्यूशनिस्ट भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें एवोल्यूशनरी मॉडल दिया था सोसाइटी का तो हिस्टोरिकल सोसाइटी दैट मीन सोसाइटी इवॉल्व हो रही है एक चीज से दूसरे चीज में एंड मटीरियल का कॉन्सेप्ट क्यों था इसमें मटीरियलिज्म की वर्ड वो दो चीजों पर डिपेंड करता है पहले जो आपकी करंट सोसाइटी है वो भी आपके मटीरियल से रिलेटेड है कि आपका मटीरियल किस तरीके का है उस तरीके की आपकी सोसाइटी है अगर वो लैंड के रिलेटेड आपका मटेरियल है लैंड के अराउंड आपका जो इकोनोमी है वो चलता है तो आपकी फ्यूडल सोसाइटी है ठीक है अगर आपका कैपिटल इंडस्ट्रीज के अराउंड आपकी सोसाइटी चल रही है तो आप कैपिटलिज्म वाले फेज में हो तो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कौन डिटर्मिन कर रहा है मटीरियल अब जो ये हो गया पहला रीजन मटीरियलिज्म का सेकेंड रीजन सेकेंड हम देखते हैं जो चेंज इन सोसाइटी है वो भी आपके मटीरियल वेल्थ से रिलेटेड है ठीक है वो भी आपके मटीरियलिज्म से रिलेटेड है तो पहले तो हो गया सोसाइटी का जो बेसिक है वो भी आपका मटीरियल है सेकेंड जो चेंज इन सोसाइटी वो भी मटेरियल से रिलेटेड है वो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ये एवोल्यूशनरी मॉडल इनका पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सोसाइटी या जिसको इन्हें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोला था तो उसमें जब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हो वो रीजन ही मटेरियल पे डिपेंड होता है जैसे ही अक्यूमलेशन ऑफ थोड़ा सा वेल्थ हो जाए जो उस स्टेज के अकॉर्डिंग जिसको वेल्थ कंसिडर किया जाएगा चाहे वो टूल्स हो लैंड हो या फिर फाइनली आपका कैपिटल हो तो वो जो चेंज हो रहा है वन सोसाइटी टू अनादर वो भी मटीरियल के बेसिस पे हो रहा है तो इस इन्होंने इसीलिए नाम दिया था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हिस्टोरिकल क्योंकि एवोल्यूशन हो रही है सोसाइटीज की हिस्ट्री में फ्रॉम वन स्टेज टू अनादर एंड वो जो चेंज है वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है और जो सोसाइटी आप करंट सोसाइटी में हो वो सोसाइटी भी आपकी मटेरियल वेल्थ के अराउंड बनी हुई है तो ये आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला आ गया कि इन्होंने ये कहां से लाया था ठीक है तो अल्टीमेटली साइंटिफिक सोशलिज्म देखो ये सोशलिस्ट थे इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले कौन सी बात की थी इन्होंने कहा था कि जब एवोल्यूशन सोसाइटीज का हो जाएगा फाइनली फाइनली और लास्ट में हम एक सोशलिस्ट स्टेट पे पहुंचेंगे जहां स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगी फाइनली ये भी खत्म हो जाएगा और हम एडवांस्ड कम्युनिज्म वाली स्टेज में आएंगे ये भी हम आगे देखेंगे ठीक है जो उस टाइम uh, से completely अलग था structural view क्या कहता है कि सोसाइटी के जो जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं चीजें हैं वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हर स्ट्रक्चर हर पार्ट ऑफ सोसाइटी फंक्शनल है सोसाइटी एज ए होल ठीक है अगर हम uh, स्ट्रक्चरल सिस्टम को देखें तो कास्ट सिस्टम की चार आपको स्टेजेस मिलेंगी ये आपके ब्राह्मण क्षेत्रियाज वेशवास एंड शूद्रास ये एक स्ट्रक्चर है ये इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हर स्ट्रक्चर एज ए होल इस का सिस्टम को एग्जिस्ट कराने में उसकी हेल्प कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण नहीं होंगे तो पूजा कौन करेगा क्षेत्रियाज नहीं होंगे तो लड़ाई कौन करेगा ठीक है वो वॉर्स वगैरह कौन लड़ेगा तो ऐसे ही करके स्ट्रक्चर इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हर कोई जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो फंक्शनल फॉर द सिस्टम एज अ होल है ये आपका स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट व्यू था ठीक है ही रोड इन द बैकग्राउंड ठीक है ये भी क्लियर हो गया नेक्स्ट हम चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म आपको बताया सिक्स एवोल्यूशनरी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है वो हम यहाँ देखते हैं पहले इन्होंने कहा जो पहली सोसाइटी थी उसको इन्होंने कहा प्रिमिटिव कम्युनिज्म ये रैपिड रिवीजन चल रहा है इन डिटेल आपके जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे ये सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन की है सेकेंड इज योर एंशंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट योर स्टेज आपकी जो सोसाइटी आप करंटली जिस सोसाइटी में हो थर्ड वन इज ए फ्यूटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ठीक है फोर्थ वन इज योर कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन उसके बाद इन्होंने कहा फिर से हम एक सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली एडवांस्ड कम्युनिज्म ठीक है तो कम्युनिज्म है जो वो इक्वली डिवाइड है।, है, तो कि है किसी के पास कम फिर एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम आगे प्रिमेटिव से अब क्या हुआ रिसोर्सेज पे कुछ का कंट्रोल ज्यादा हो गया जैसे पहले क्या रिसोर्सेज होते टूल्स वगैरह ब्लेड्स को कैसे यूज करना है जानवरों को मारने के लिए वो सारी चीजें तो जिनको उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज थी जिनको वो ज्यादा अच्छे से यूज करना आता था तो उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ गई फाइन तो बाकी लोग भी अगर उनको अपने रिसोर्सेज चाहिए थे नेचर से चाहे वो फ्रूट कटिंग के लिए हो या जानवरों को पकड़ने के लिए हो हंटिंग गैदरिंग के लिए हो तो उसके लिए उनको उन लोगों की जरूरत पड़ी थी जिनको वो टूल्स अच्छे से यूज करने आते तो जो वो यूज कर पा रहे थे वो फाइनली एक पावरफुल ये बन गए लोग ठीक है अब उनके पास एक्यूमुलेशन करने लगे वो रिसोर्सेज की तो आपके पास क्लास सोसाइटी जो है क्लास बेस्ड सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होने लगी तो एंशियंट स्लेव में आपके मास्टर्स बन गए कुछ और कुछ आपके स्लेव्स बन गए फाइनली अब वहां से तरक्की करके एग्रीकल्चर की तरफ आ गए ये वो सोसाइटी है जो एग्रीकल्चर सोसाइटी आप इसको बोलो लैंड के अराउंड बिल्ड होती है तो यहाँ के मास्टर्स बन गए यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स आपके जमींदार इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में और स्लेव बन गए आपके पेजेंट्स ठीक है फिर फाइनली जब एक्यूमलेशन ऑफ वेल्थ भी होने लगा इतना ज्यादा एग्रीकल्चर से भी लोग मूव करके कहाँ पे आ गए इंडस्ट्रीज की तरफ अब जो आपके लॉर्ड्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कैपिटलिस्ट बनने शुरू हो गए कैपिटलिस्ट और पेजेंस आपके वर्कर्स बनना शुरू हो गए लेबरर्स वगैरह जो खेती बाड़ी का काम छोड़ के कहा चले कहां चले गए आपके सिटीज में फैक्ट्रीज में वहां पे रहने लगे और काम करने लगे तो ये वाला जो स्टेज है इन्होंने कहा इस स्टेज में एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत ज्यादा है ठीक है और मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है दैट मीनस मैकेनाइजेशन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी बहुत ज्यादा है सारे सिमिलर काम कर रहे हैं होमोजनाइजेशन हो रही है वर्कर्स की इकट्ठे सारे काम कर रहे हैं ठीक है ठीके? सिमिलर काम कर रहे हैं और वो काम जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बस रोबोट्स की तरफ वो काम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं तो ये वो स्टेज है जहां पे फाइनली इसके बाद एक रेवोल्यूशन आएगा वो हम क्लास थेरी में इनकी देखेंगे एक रेवोल्यूशन आएगा और फाइनली ये जो क्लास सिस्टम वगैरह सब खत्म हो जाएगा और सारा स्टेट के पास आ जाएगा स्टेट कंट्रोल तो आहिस्ता आहिस्ता हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं फाइनली क्या होगा स्टेट भी टॉपल हो जाएगी उसका भी सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा और हम एक एडवांस वाली स्टेज में आएंगे जो अगेन एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी अगर आप डायलेक्टिकल प्रोसेस को वापस रिकॉल करो मैंने कहा था फिर एंटी थीसिस और सिंथेसिस ये प्रोसेस चलता जाता है और इनका मानना है इस सिक्स स्टेज में ये प्रोसेस फाइनली सीज हो जाएगा डायलेक्टिकल प्रोसेस और तब का हमारा जो सिंथेसिस है उसके आगे फिर एंटी वो थीसिस बन के एंटी थीसिस नहीं बनाएगा वो हमारी एक परफेक्ट इक्वल सोसाइटी होगी ठीक है ये इनका मानना था तो ये इस पार्ट का रिवीजन हो गया सिक्स एवोल्यूशनरी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ये याद कर लेना है क्या क्या है और इन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ये ओरिएंटल सोसाइटीज फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी को लेके कहा था इनमें कहा था कि क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी वगैरह विलेजेस में थी तो ऐसे क्लास बेस्ड स्ट्रगल इनमें एग्जिस्ट नहीं करता इन सोसाइटीज़ में तो ये इन्होंने एक्सेप्शन अपना खुद से ही दिया था और एलिनेशन का कॉन्सेप्ट इससे पहले मैं आपको क्लास इन सोसाइटी या आप इनका क्लास स्ट्रगल थ्योरी बता दो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो हम देखेंगे ठीक है उसके बाद ये आपका जो है इसी में क्लियर हो जाएगा तो ये बेसिकली इनका क्या कहने का मतलब था क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला कि मैंने आपको कहा हर सोसाइटी में बारिंग योर प्रिमिटिव एंड एडवांस कम्युनिज्म दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं ठीक है एंड हैव नॉट्स अब हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे जो क्लास स्ट्रगल है वो कैपिटलिज्म में आएगा कैपिटलिज्म में एक्सप्लेक्टेशन काफी हाई लेवल की होगी ये आपको याद रखना है ठीक है तो लेबर्स काम करेंगे और लेबर्स क्या करते हैं वो काम करते हैं और सारा प्रॉफिट कौन ले जाएगा आपके कैपिटलिस्ट जैसा कि हम इन सोसाइटीज में देखते भी हैं तो इन्होंने कहा था अभी तक क्या हो रहा है लेबरर्स काम कर रहे हैं उनको पैसों की जरूरत है कैपिटलिस्ट उनसे काम करवा रहे हैं लेबरर्स को ये नहीं पता है कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं इस चीज को इन्होंने कहा था क्लास इन इट्सल्फ ये ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है क्लास की ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन बोले तो वो क्लास एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि बस वो क्लास है उसको ऐसी कैटेगरी बनाया हुआ है कि हम सारे लेबर्स हैं तो हम एक ही जगह के हैं ठीक है ठीके? वो उस हिसाब में एग्जिस्ट कर रही है वो उसमें उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है हमारे साथ क्या सही हो रहा है वो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो इसको ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लास भी कहा था अगर एग्जाम में ऐसे आता है कौन थी ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन तो वो क्लास इन इट थी बाद में क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन वो जब अवेयर होना शुरू हो जाएंगे अपनी एक्सप्लॉयटेशन के उनको लगेगा कि नहीं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी उनमें तो वो जाके बन जाएंगे क्लास फॉर इट और जब वो क्लास फॉर इट बनेंगे ये वो टाइम है जब वो र, एक रेवोल्यूशन आएगा और फाइनली वो टॉपल करेंगे इस क्लास सिस्टम को टॉपल करेंगे इस क्लास सिस्टम को ठीक है तो अब जो ये नॉट्स हैं अब इनके पास पावर इस हैव नॉट्स को इन्होंने कहा था प्रॉलेटेरियट्स ये प्रॉलेटेरियट्स हैं और आपके जो हैव्स हैं वो बर्जुआ है बर्जुआ ठीक है तो ये प्रोलिटेटेड का रेवोल्यूशन आएगा और टॉपल हो जाएगा क्लास सिस्टम फाइनली हम आएंगे सोशलिस्टिक स्टेट में एज स्टेट ऑल्सो स्टोली विथर्स अवे हमारे पास आ जाएगा एडवांस्ड कम्युनिज्म जहां पे सब लोग इक्वल होंगे अब इन्होंने कहा था बेसिक जो रेवोल्यूशन है वो आ, इसमें आ जाएगा आपका कैपिटलिज्म में ही आएगा क्योंकि कैपिटलिज्म में जो एक्सप्लाइटेशन है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की है यही वो कैपिटलिज्म है जहाँ पे आपका एलिनेशन भी पीक पे होगा ठीक है एलिनेशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से कैपिटलिज्म से ही आपको देखने को मिलेगा बेसिकली एलिनेशन क्या होता है देखो हमारा ह्यूमन नेचर है अगर हम कोई भी काम करें हम उस काम से खुद को एसोसिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर पेजेंट्स काम कर रहे हैं ठीक है वर्कर्स हैं वो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उस लैंड को वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं उस लैंड से वो अपनी वैल्यू देख सकते हैं अगर उसने कहीं पे कोई सीड्स सो किए हैं बाद में वो देख रहे हैं है, सीड्स और उसको उनका फल मिल रहा है तो वो ही फील्स हैप्पी वो अपने काम से रिलेटेड है लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होगा वो क्या काम कर रहा है वो एक वर्कर असेंबली लाइन फैक्ट्रीज में काम कर रहा है वो मेयर एक वर्कर है वो उन मशीन्स पे काम कर रहा है जो मशीन उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे बनी है क्या है और वो वो प्रोडक्ट्स बना रहा है अगर वो एक आईफोन फैक्ट्री का एक मजदूर होगा जो आपको पता ही सारी चीजें असेंबल होके बनती है कहीं पे स्क्रीन बनता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग जगह पे अलग चीजें बनती हैं तो जहां पे एक वर्कर आईफोन की फैक्ट्री में काम कर रहा है क्या वो कभी आईफोन एफोर्ड कर पाएगा नहीं तो जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है तो जब ये एक डिसरप्टिव रिलेशन होता है बिटवीन वो ह्यूमन नेचर कि उसको उस काम से प्यार हो और उसके लेबर से जो उसने काम किया उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है ठीक एक, 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 एक है थीके? उसको अपने काम से उस फीलिंग को हम एलिनेशन बोलते हैं कि वो उसे रिलेट नहीं कर पाता अपने काम से और इन्होंने ये ग्राफ दिया था कि प्रिमेटिव कम्युनिज्म में जीरो था फिर ऐसा बढ़ गया और एडवांस कम्युनिज्म में एलिनेशन फिर से जीरो हो जाएगा और कैपिटलिज्म में ये जो एलिनेशन है ये पीक पे होता है ठीक है तो ये सारी चीजें एक्सप्लाइटेशन हो गई बहुत ज्यादा एलिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा जो वर्कर्स है वो अवेयर हो जाते हैं अपनी कंडीशन के उनमें वो अवेयरनेस आ जाती है और वो बनते हैं क्लास फॉर इट और यही वो क्लास फॉर इट है जो एक रेवोल्यूशन लेके आएगी और कैपिटलिज्म को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगी ठीक है तो ये था आपका क्लास भी हो गया एंड सोसाइटी इसमें एलिनेशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया फोर डायमेंशन ऑफ एलिनेशन है कैपिटलिज्म है अब देखो जो ये एलिनेशन है ये किस किस चीज से होती है इसकी चार चीजें हैं एक तो एलिनेशन है फॉर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस क्योंकि वो कर क्या रहा है वो बस एक मशीन चला रहा है उसको उस मशीन का कुछ नहीं पता जो प्रोडक्ट फाइनली बन के आएगा अगर वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कितना होता है उसमें काम पहले कहीं पे स्पिनिंग वो सारी चीजें होगी कहीं फिर मशीनरी में जाएगा प्रोसेसिंग कहीं पे होगी फिर फाइनल डिजाइन कहीं बनेगा वो उन सारे जो काम हो रहा है किसी एक जगह उस डिपार्टमेंट में काम करता होगा तो फाइन उसको जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है ना ही फिर उसका इंटरेस्ट रहता है क्योंकि वो सब रोबोट की तरह काम करे जा रहा है सेकेंड एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट अब मैंने आपको इसे एग्जाम्पल ही चलो आईफोन की होगी हम टेक्सटाइल फैक्ट्री की लेते हैं महंगे महंगे कपड़े बना रहे हैं वो कपड़े जो एफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो एलिनेट हो रहा है उस प्रोडक्ट से भी उसकी कोई फीलिंग जनरेट नहीं होती है उसको अपनी सेकेंड एलिनेशन फ्रॉम हिज फेलो वर्कर्स क्योंकि टाइमिंग ऐसी है दिन भर काम करो तो जैसे ऐसा होता है ना खेतों में काम करो तो फिर सारे जो पेजेंट वगैरह हैं ये एक जगह बैठ के दिन में उनकी जो लंच ब्रेक चलती है फिर बैठ के बातचीत भी करते हैं या खेत में काम करते करते बात करते हैं यूजली इनका वो तरीका था लेकिन मशीन्स में इनको एक टारगेट दिया जाता है इतने घंटे में आपको ये सारा काम करना है तो फेलो वर्कर से उनका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है डायरेक्ट और फिर मॉडर्न लाइफ ऐसी भी है कि आप साथ वाले से ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं करते तो यहाँ से भी एलिनेट होते हैं और फाइनली वो एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ क्योंकि उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं रह जाती कोई अपने लिए कोई क्रिएटिविटी उसकी सारी खत्म हो गई है अपने लिए कोई मी टाइम उसका नहीं रहा है ठीक है डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी इन सब चीजों से बढ़ती हैं क्योंकि आपका कोई अपना वजूद कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं रही तो ये चार डायमेंशंस ऑफ एलिनेशन थे इन कैपिटलिज्म प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस फेलो वर्कर्स एंड फ्रॉम हिमसेल्फ कमोडिटी फैटिशिज्म भी इन्हीं का एक टॉपिक था वो भी इसी चीज से रिलेटेड है देखो कोई भी अगर चीज हो उनकी दो वैल्यूज होती हैं एक तो उसके यूज वैल्यू होगी सेकेंडली उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होगी जैसे आपने ब्रेड खाते हो ब्रेड क्या करेगा वो सैटिस्फाई करेगा आपकी हंगर तो उसकी एक यूज वैल्यू है लेकिन अगर आप एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप कोई मोबाइल फोन बना रहे हो लेट सपोज तो आप मार्केट में ले जाते हो उस चीज को बेचने के लिए वो एक कमोडिटी है सिर्फ तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ब्रेड की है ब्रेड ने आपकी भूख मिटाई है इसने मार्केट आपने मार्केट में फोन लिया वो फोन एक कमोडिटी है सिर्फ दैट मीन वो फोन इंपॉर्टेंट है वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है जब हम कोई खाना खाते हैं हमें भूख लगी तो हम खाने बनाने वाले की तारीफ करते हैं ना क्योंकि उसकी व्यूज वैल्यू होती है लेकिन आपके किसी काम आ रही है वो चीज और वो चीज बनाने वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन जब मार्केट में कोई चीज आती है वो कमोडिटी बन जाती है उसकी सिर्फ एक एक्सचेंज वैल्यू रह जाती है ठीक है अब कैपिटलिज्म में क्या होता है अगेन हम यही लेंगे फोन की एग्जांपल लेंगे कोई अगर फोन बनाते हैं फोन की फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वो चीज उनके लिए वो जब मार्केट में आ गई तो वहां पर सिर्फ फोन इंपॉर्टेंट रहता है सैमसंग नोट जो भी नोट टेन नोट ट्वेंटी जो भी मार्केट में चल रहा है सैमसंग का फोन वो इम्पॉर्टेंट है आईफोन वो इम्पॉर्टेंट है वहां पे जो लेबर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो जिस लेबर ने वो चीज़ बनाई वो चीज उससे अलग है कमोडिटी और फेटिशिज्म वो चीज़ इतनी अलग हो जाती है कि बाद में एज एफ उस चीज की ही कोई पावर्स है कोई मैजिकल पावर इसीलिए फेटिशिज्म वर्ड दिया गया है जब किसी इन एनिमेट चीज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हो अब वो जो फोन है वो फोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस फोन की बहुत ज्यादा वैल्यू है ठीक है फोन बनाने उस फोन की फैक्ट्री में जो काम कर रहा था मजदूर उसका नाम कहीं पे नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो वहां पे इंपॉर्टेंट कौन हो गया ये पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट कौन हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया वो फोन कमोडिटी इसीलिए कमोडिटी मींस किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को जब आप कोई मिस्टिकल सुपर नेचुरल पावर देना शुरू हो जाते हो इतना क्या आप उस फोन को पूजने लगते हो और जो लेबर वहां दिन रात मेहनत कर रहा है वो कहीं नहीं है ठीक है उसका नाम कहीं नहीं है इस प्रोसेस को इन्होंने कहा कमोडिटी फेटिसिजम क्लास इन सोसाइटी का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया दो क्लासेस इन्हें बताई थी हैव्स हो गए आपके बर्जो एंड हैव नॉट्स हो गए आपके प्रोलेट ठीक है हैव नॉट प्रोलेट एरियड्स तो ये सारा इनका जो स्ट्रगल क्या है वो भी हमने एक्सप्लेन कर लिया अब इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था इंटरमीडियरी क्लासेस भी होंगी इंटरमीडिएट क्लासेस जैसे आपके स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स हो गए आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जिनको इन्होंने कहा था पेटीट बर्जुआ ठीक है फिर इसने कहा था क्लास पोलराइजेशन हो जाएगी दैट मींस पोलर मींस दो चीजें बन जाएंगी ऑपोजिट ये जो पेटी बर्जुआ या तो इनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी और ये बर्जुआ क्लास में भर्ती इन द सेंस एड हो जाएंगे सारे उसको इन्होंने कहा था बर्जुआजेशन या तो पेटीट बर्जुआ की डाउनवर्ड uh, मोबिलिटी हो जाएगी डाउनवर्ड मोबिलिटी और इस प्रोसेस को इन्होंने कहा था प्रोलेटेरियनाइजेशन कि ये जो क्लास है ये मिलके कहां बने ये किस में आ, मिक्स हो जाएगी आपके प्रॉलेटेरियस के साथ तो पेटी बर्जो आपके छोटे दुकानदार वगैरह अगर वो उनके पास फंड्स और उनके पास वो टैलेंट था तो वो बर्जोआ क्लास में आ जाएंगे अगर आहिस्ता आिस्ता उनकी इकोनमी को खत्म कर दिया गया और उनके पास आगे कोई खुद को इनोवेट करने का कोई ये नहीं बचा टूल नहीं बचा तो वो आपकी प्रोलेटेरियस क्लास में आ जाएंगे और फाइनली हम फिर से दो क्लासेस रह जाएंगी बर्जो की और प्रोलेटेरियट्स की ये इनका क्लास बोलराइज का कॉन्सेप्ट था क्लास इन इट सेल्फ क्लास फॉर इट सेल्फ हो गया ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन जहाँ पे वो अवेयर नहीं है अपने एक्सप्लाइटेशन के यहाँ पे उनमें कॉन्शियसनेस आ जाती है और अल्टीमेटली क्या हो जाता है एक रिवोल्ट हो जाता है अक्यूज ऑफ बिंग इकोनॉमिक डिटर्मिनस्ट और रिडक्शनिस्ट ठीक है अगेन ये रैपिड रिविजन सीरीज चल रही है इन डिटेल ये सारे टॉपिक्स जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कल मार्क्स की आप अगर आपको काल मार्क्स का कुछ नहीं पता आप स्टार्टिंग से वो देख सकते हैं या अगर आप बिगिनर नहीं है तो ये रैपिड रिविजन वाला आपके लिए काम कर जाएगा तो जो मेरे वो वाले वीडियोज है जिनमें इन डिटेल बोला हुआ है मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें आपको ये एडिशन नहीं मिलेगा ये जो बुक्स के नाम वगैरह है क्योंकि ये सिर्फ नेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं इसीलिए मैं ये यहाँ पे एड कर

डू सब्सक्राइब मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी ताकि आपका सोशलॉजी का नेक्स्ट साइकिल से पहले एग्जाम जो है वो सिलेबस कवर हो जाए तो डू शो सपोर्ट टू दिस चैनल अभी एक नई चैनल है लेकिन आपको जरूर बेनिफिट करेगी तो सारे वीडियोज़ देखें रैपिड रिविजन के भी और वो डिटेल वीडियोज़ भी जरूर देखें तो टिल द टाइम मैं अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाई टेक केयर हैवे अ ग्रेट टे